दिस सीबीएसई जो आपका सैंपल पेपर है, तो दिस क्वेश्चन पेपर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट यू हैव अटेम्प्ट इन योर पीरियोडिक टेस्ट टू. ठीक है, व्हाई? बिकॉज इंटरनल पेपर्स में नो चॉइस वॉज देयर, बट अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल पेपर इंटरनल चॉइस विल बी गिवन टू यू एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मार्क द आंसर्स. ठीक है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स फोर सेक्शंस. अर्लियर जो आपके सेक्शंस थे, इंटरनल चॉइस वॉज नॉट गिवन, बट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शंस विल बी देयर. आई एम टॉकिंग ऑफ बोर्ड एग्जाम, स्कूल के इंटरनल एग्जाम जब भी होते हैं, नो चॉइस विल बी गिवन टू यू, बट अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल पेपर इंटरनल चॉइस विल बी गिवन. तो मैक्सिमम मार्क्स अब तक आप सब बच्चों को पता लग गया होगा, 40. ठीक है, 20 हिस्ट्री, 20 ज्योग्राफी. क्लियर? सेक्शन ए हैज 24 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट एनी 20. इट मींस आपके पास प्रॉपर चॉइस है, 24 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस. देन सेक्शन बी हैज 22 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट एनी 18 क्वेश्चंस. आई एम डिस्कसिंग दिस बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव सेंड मैसेज, मैम व्हाट इज द विल देयर बी एनी इंटरनल चॉइस इन द बोर्ड एग्जाम्स. आई थिंक आई हैव सेंट इन द ग्रुप आल्सो. आपने प्रॉपरली सैंपल पेपर चेक नहीं किया है, आई विल सेंड अगेन विद आंसर की आल्सो, बिकॉज आई हैव डाउनलोडेड द आंसर की ऑफ दिस सैंपल पेपर आल्सो, तो आई विल सेंड. ठीक है, लेकिन अब आप सब बच्चों ने टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैटर्न पता होना चाहिए, देन यू विल प्रिपेयर फॉर दैट. सेक्शन बी 22 क्वेश्चंस विल बी देयर, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 18. सो अगेन देयर इज अ इंटरनल चॉइस इन द सेक्शन, नॉट इन द ऑल. इन द ऑल का मतलब एंड में आपने काउंट नहीं करना कि मैंने इतने कर दिए, सेक्शन वाइज इंटरनल चॉइस विल बी देयर. ठीक है, देन सेक्शन सी हैज 12 क्वेश्चंस जो आपके केस स्टडी काइंड ऑफ सोर्स बेस या क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज क्वेश्चंस होते हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10, मींस आई थिंक टू केस स्टडीज विल बी देयर, और उन टू केस स्टडीज में अगर 12 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चंस विल बी देयर, तो वन वन यू हैव चॉइस, टोटल यू कैन अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस. सेक्शन डी ऑब्वियसली दैट विल बी फ्रॉम योर ज्योग्राफी पोर्शन, टू मैप बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर, सो दीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. ठीक है, देन इक्वल वेटेज. इक्वल वेटेज का मतलब होता है ऑल द क्वेश्चंस आर विल बी 0.8. 0.8 का मतलब है कि जो भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी आप करोगे दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 0.8. अब एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि मैम इफ आई विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सपोज आपको चॉइस है, अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपकी असेसमेंट जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन टोटल 50. मींस आपका 40 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी असेसमेंट हो. इट डजंट मीन कि आपने जो क्वेश्चन सारा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन के अकॉर्डिंग आपने करना है. अगर आपका सेक्शन 24 क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट एनी 20, तो उस सेक्शन में अगर आपने सारे 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अटेम्प्ट कितने करने हैं आपने, 20. तो सेक्शन के अकॉर्डिंग है बच्चे, ध्यान रखो. ये बच्चों को एक बार फिर से कंफ्यूजन है. हाँ जी, नहीं वो तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग होगा ना. आई एम टॉकिंग इफ 24 क्वेश्चंस विल बी देयर, अगर आपने उस सेक्शन के सारे 24 कर लिए, लेकिन उन्होंने आपको कहा है अटेम्प्ट एनी 20, यानी कि उस पर्टिकुलर सेक्शंस में से उन्होंने 20 क्वेश्चंस जो है वो लेने हैं, तो वो नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन का नंबर होगा ना वो सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा. हाँ जी, आपकी वेट आपकी जो ओएमआर शीट है ना वो भी आपके सेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगी, सेक्शन के अकॉर्डिंग होगी आपकी. मैं आपको फिर से बार बार बता रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज. सम स्टूडेंट्स दे आर सेंडिंग मैसेजेस मैम कि अगर हमारे 24 क्वेश्चंस हैं, इफ वी विल अटेम्प्ट ऑल द 24 इन द सेक्शन, बेटा उन्होंने सिर्फ आपको कहा है अटेम्प्ट ओनली 20. अटेम्प्ट ओनली 20 का मतलब होता है कि आपको जो असेसमेंट है वो 20 क्वेश्चंस की है, इंटरनल चॉइस है आपकी, आपको 20 के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं मार्क्स. अगर आपने सारे एडिशनल 24 कर लेते हो, कर लिया वो अलग बात है, लेकिन आपको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना. ठीक है,
दैट इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन बाय सीपीएस. वो वहां पे इंस्ट्रक्शन जो है, जो आपका लिसन, यस कीप क्वाइट, ये आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑल द इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू ऑन योर आंसर शीट एंड प्रॉपर टाइम विल बी गिवन टू यू. आपको प्रॉपर टाइम मिलता है जिसमें आप सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करते हो. मे बी वेरिएशंस विल बी देयर, बट प्लीज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं, उसमें आपने पेपर को रीड करना है और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको अच्छी तरह से फॉलो करना है. क्लियर? सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन जो आपकी अटेम्प्ट जो आप अटेम्प्ट करोगे वो मेन मैटर करता है. उसके बाद आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप उसको जैसे भी आपको लगता है आपको उसको टिक करो ओआरएम शीट पे प्रॉपरली. अच्छा, एक और गलती जो बच्चों ने की है, डबल जो है वो मार्किंग नहीं करो. अब अभी तो आपने जो गलती की है, आपने एक बार ए को टिक कर दिया, बाद में उसको आपने वाइटनर लगा दिया या उसको क्रॉस कर दिया, फिर आपने बी को टिक किया. ठीक है, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी बेटा. स्कैनिंग है, स्कैनिंग में तो आपको क्रॉस शो ही नहीं होना. स्कैनिंग में तो ऑटोमेटिकली अगर आपने दो सर्कल मार्क किए तो दोनों सर्कल हाईलाइट हो जाते. क्लियर? इट इज क्लियर? ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप सर्कल को प्रॉपरली मार्क करो. अभी भी कई बच्चों ने जस्ट पॉइंट लगाकर ना हल्का सा मार्क किया, आउटलाइन तो कवर ही नहीं किया आपको. तो ओएमआर शीट जो है उसकी अटेम्प्टेशन भी मैटर करती है कि कैसे आंसर आपका सही है, लेकिन अगर वो स्कैनिंग में शो ही नहीं होगा तो मार्क्स विल नॉट बी गिवन टू यू. हाँ जी, विच पेन? बेटा पेन आपने वो यूज करना है जो आपको उन्होंने मेंशन किया होगा बॉल पेन. पेंसिल तो यूज ही नहीं करोगे. That as instructions will be given to us, we will tell. Whatever the instructions will be given to us, we will share time by time with you. Any doubt? Again, any doubt? I will send the sample paper again in your group. ठीक है? और जो भी किसी भी तरह का अगर कोई भी doubt है तो आप तो वैसे message कर ही देते हो, लेकिन फिर भी है तो please sample paper, go through the sample paper. नहीं बेटा, अगेन आई एम टेलिंग यू द सिलेबस. फर्स्ट चैप्टर यूरोप एंड आपके सिविक्स के दो चैप्टर हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म. बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका सिर्फ पीटी में असेस हुआ और आगे बोर्ड एग्जाम में या पीटी में नहीं, जो आपका प्री बोर्ड है उसमें नहीं आया. नाउ इट इज क्लियर. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट यूरोप एंड टू चैप्टर्स फ्रॉम सिविक्स. Have I made myself clear to you? Yeah. Any doubt? No? Anji? Hai koi? Chalo. Theek hai. Anji? When we will call, we will tell you. Humne apne paas rakhi to kuch karna nahi hai. Hamare paas jaise koi message aayega, we will send. Theek hai? Aap se attention hame hogi na? Theek hai? Chalo. Next, kal humne discuss kiya tha bata. Yes, civil court. नेपोलियन बोनापार्ट 1804. क्लियर? तो 1804 के बाद यूरोप में बहुत से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए एंड इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद मेनी पीपल दे वेलकम द पॉलिसीज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, बट सम पीपल स्टार्टेड हेटिंग. व्हाई? बिकॉज नेपोलियन बोनापार्ट उसकी नेचर क्या थी? इंपीरियलिस्टिक. और इंपीरियलिस्टिक नेचर होने के बाद वो ही कीप ऑन अटैकिंग द अदर टेरिटरीज अदर देन फ्रांस. And he sent his armies to different part of the Europe and the world also. So, अब आपको कुछ countries और कुछ cities के name आपने बताने हैं कि where French armies moved. French armies का मतलब है कि Napoleon Bonaparte के time period में Napoleon ने कौन-कौन सी countries को में अपनी armies को भेजा ताकि उन countries को France का part बनाया जाए या Napoleon Bonaparte की territory का part बनाया जाए. तो कुछ countries और कुछ cities के name बताने. अगर तो आपने सिटीज, अगर तो कंट्रीज हैं तो कंट्रीज के नेम होंगे राइट डाउन. पोलैंड, कंट्रीज वेयर फ्रेंच आर्मीज अटैक एज द ऑर्डर गिवन बाय नेपोलियन बोनापार्ट. पोलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ इटली. एंड आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट ने जो चेंजेस फ्रांस में किए, यही सिविल कोर्ट जब इन एरियाज को अपने अंडर किया, देन ही आल्सो इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन दीज एरियाज आल्सो. और अगर सिटीज की बात आती है, सिटीज अगर प्रॉपर सिटी जैसे इंडिया की बात करें तो दिल्ली, बॉम्बे बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है.
तो कौन सी सिटीज को वो ऑक्यूपाई करना चाहता था, तो वो सिटीज के नेम आपने इसमें मेंशन करने हैं। अगर सिटीज के नेम आते हैं तो इसमें आपने मेन बताना है, मेन्स MAIN Z, मेन्स मिलान एंड वारसा WARSAW, वारसा सिटीज हैं, ठीक है। तो अब हमने ये बताना है कि वाई हिज इमेज वॉज नेगेटिव, क्यों उसकी इमेज नेगेटिव हुई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी इमेज नेगेटिव हुई। नंबर 1, टैक्सेशन, उसने क्या किया, वॉर मटेरियल डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए उसको मनी चाहिए था, सो दैट्स व्हाई ही कमिटेड द सिक्स एज ऑल लुई 16, एंड ही स्टार्टेड इम्पोजिंग मोर एंड मोर टैक्स, और इसके कारण ये कह सकते हैं कि मैनी पीपल दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग। लेकिन आपने बताना है फोर्स रिक्रूटमेंट, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब है उसने कंपल्सरी कर दिया फैमिली मेंबर्स को, कंपल्सरी कर दिया वन मेल मेंबर शुड बी रिक्रूटेड फॉर द आर्मी। तो ऐसे में बहुत से लोग जो आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, दे वर डिस्करेज, ठीक है। थर्ड, सेंसरशिप, 1789 के बाद कुछ देर के लिए सेंसरशिप हटा दी गई थी, लेकिन ही रीइंपोज सेंसरशिप। देन स्लेवरी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पर में स्लेवरी को खत्म कर दिया गया था, बट ही रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम। देन अंडर हिज रूल विमेन वर नॉट गिवन, विमेन वर नॉट ग्रांटेड वोटिंग राइट्स। मेल को तो चलो वैसे भी नहीं था, लेकिन उसने विमेन को किसी भी तरह से कोई भी वर्क जैसे होता ना, राइट टू वर्क, दैट वाज नॉट गिवन। तो ही वाज आल्सो अगेंस्ट विमेन पार्टिसिपेशन। तो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पीरियड में भी आप किसी भी पॉलिटिकल विमेन या उसकी एक्टिविटीज के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज फीचर्स ऑफ यूरोप, फीचर्स ऑफ यूरोप। इसमें बेटा आपने तीन तरह के फीचर्स जो है वो मेन किए थे। नंबर 1 पॉलिटिकल फीचर, नंबर 2 है सोशल फीचर, ठीक है, एंड नंबर 3 आपने फीचर जो किया दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में ही हमने पढ़ा था लिबरल नेशनलिज्म। अब ये पैराग्राफ देखो, सपोज आपको ये पैराग्राफ आता है हैब्सबर्ग एम्पायर से रिलेटेड, नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस पैराग्राफ इन डिटेल, बिकॉज मैं आपको बार बार कह रही हूँ any question can come from any part, ठीक है। So for this you have to go through from this paragraph in detail. अब ये detail क्या है? It's about the political features of Europe. सबसे पहले जैसे आप paragraph आप read करते हो, इसमें आपको पता लगता है time period कौन सा दिया हुआ है, mid 18th century. Mid 18th century के time period में Europe कैसा था? At that time Europe was divided into number of बच्चे don't disturb. At that time, Europe was divided into number of kingdoms and monarchy system was there. But you know, at that time, all the areas, in these areas, language was totally different. As agar hum apni India ki baat kare, during Mughal dynasty, India was a rainbow. Rainbow ka matlab hota hai alag alag communities thi. Muslim communities ruled in our country. But at that time, side by side, in western part of our country, Mewar, or you can say Rajasthan and Kshatriyas were there. In southern areas, southern kings were, they were very powerful. And in northern side, Punjab ki baat kare, to Sikh community was very powerful at that time. And agar hum northeast ki baat kare, to tribal peoples were there. And each and every area, they spoke different languages. Suppose agar aap ye dekho ki Europeans agar India ke baare mein padhe, wo pad rahe hai, what happened in India during Mughal dynasty? तो उस टाइम पीरियड में मुगल डायनेस्टी पढ़ने के लिए उनको एक तरह मुगल किंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड साइड बाय साइड वो हमारे इंडिया के अलग अलग जोन्स के अकॉर्डिंग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर में कौन कौन सी किंगडम्स थी, दैट इज डिफिकल्ट फॉर देम। सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रीड हाउ इन यूरोप ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी मैनी किंगडम्स वर देयर, बट वी विल स्टडी दिस ऑल द पॉलिटिकल पिक्चर अकॉर्डिंग टू वन पैराग्राफ। और उसमें हमने लिमिट कर दिया है, हमने पढ़ना है हैब्सबर्ग एम्पायर। जैसे मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, ऐसे हम पढ़ेंगे हैब्सबर्ग एम्पायर। अब हैब्सबर्ग एम्पायर जैसे मुगल डायनेस्टी, ऐसे हमने पढ़ना हैब्सबर्ग एम्पायर। और इस एम्पायर के अंडर कौन कौन से लिंग्विस्टिक ग्रुप थे वो हमने याद रखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लैंग्वेज याद रखनी है, और एक तरफ हमें क्या याद रखना है, एरियाज। कि हैब्सबर्ग एम्पायर पूरा एम्पायर एक था, जैसे ऑटोमन एम्पायर हम कहते हैं, ऐसे ही एम्पायर था हैब्सबर्ग एम्पायर। लेकिन उस एम्पायर में अलग अलग एरियाज में लोगों की लैंग्वेज अलग थी, लेकिन इन द एंड व्हाट वाज कॉमन, दे ऑल हैव रिस्पेक्ट फॉर द किंग इन द माइंड।
लैंग्वेज जरूर अलग थी लेकिन उन सबके लिए अपने किंग के लिए प्रॉपर रिस्पेक्ट थी. लेकिन इन इंडिया दैट इज टोटली डिफरेंट. एट दैट टाइम सो मेनी हिंदूज वर लिविंग इन आवर कंट्री लेकिन एट दैट टाइम दे वर फेसिंग एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज एट दैट टाइम रिलीजन कन्वर्जन वॉज देयर. दे वर कंपेल्ड टू चेंज देयर रिलीजन. तो हमारे टाइम पीरियड में उस टाइम पीरियड में मुगल डायनेस्टी की अगर बात करें तो मैनी पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि उनको क्या किया जा रहा था उनका रिलीजन कन्वर्ट किया जा रहा था. So that at that time people they sacrifice their life to save our religion. लेकिन हम पढ़ रहे हैं Habsburg Empire. इसमें आपको क्या मेन याद रखना है languages and कौन कौन सी countries. क्योंकि आपको ये क्वेश्चन MCQs one mark या according to आपको किसी भी तरह से match में आ सकता है. तो सबसे पहले हम बताएंगे that Habsburg Empire ruled over Austria and Hungary. Place का name Austria Hungary combined area. Austria and Hungary combined area. Even three countries का आपको बताया गया है Germany, Italy and Switzerland. Germany was divided into kingdoms. Italy was divided into duchies. जैसे हम कहते हैं इंडिया स्टेट तो इटली में क्या थी duchies. Duchies का मतलब स्टेट. Switzerland into cantons. जैसे इंडिया में पंजाब ऐसे ही स्विट्जरलैंड में अलग अलग कैंटन्स थे. पॉलिटिकल यूनिट ठीक है. नंबर वन जर्मनी का पॉलिटिकल यूनिट क्या था जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू किंगडम्स. इसी तरह से इटली वॉज डिवाइडेड इंटू डचेस. पॉलिटिकल यूनिट डिवाइडेशन या फ्रेगमेंटेशन कह सकते हो. स्विट्जरलैंड वॉज डिवाइडेड इंटू कैंटन्स. तो ये तीन आपको मेन सबसे पहले यूरोप में जर्मनी इटली एंड स्विट्जरलैंड. लेकिन हमने डिटेल में किसको पढ़ना है ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. तो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वॉज कंट्रोल्ड बाय विच एम्पायर Habsburg Empire. अब इस Habsburg Empire में अलग अलग एरियाज में लैंग्वेज अलग अलग थी. तो एक तरफ आप लिखो लैंग्वेज और एक तरफ लिखो एरियाज ठीक है. अब सबसे अगर तो ये 5 marks के अकॉर्डिंग होता तो हम इसको लाइंस में लिखते लेकिन आपने इसको मैच के अकॉर्डिंग लिखना है तो आपको कंट्रीज और उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए. नंबर वन एल्पाइन एरियाज. एल्प्स के आसपास जो एरियाज है उनको एल्पाइन. जैसे हिमालय के आसपास एरियाज हैं तो उनको हिमालयन एरियाज कहा जाता है. ऐसे ही एल्प माउंटेन के आसपास जो एरियाज हैं उनको एल्पाइन एरियाज कहा गया. एल्पाइन एरियाज जो थे इनमें से कोई भी दो एग्जांपल आप ले रहे हो. नंबर वन टायरोल TYROL टायरोल सुडेटन लैंड. टायरोल एंड सुडेटन लैंड इनकी लैंग्वेज क्या थी जर्मन. इन एरियाज में लोगों की लैंग्वेज क्या थी जर्मन. रूलर एक था एम्पायर एक था लेकिन लैंग्वेज लोगों के अलग अलग थी. एल्पाइन एरियाज देख लो कि एल्पाइन एरियाज की लैंग्वेज क्या थी जर्मन. देन लोम्बार्डी LOMBARDY लोम्बार्डी एंड विनीशिया इनकी लैंग्वेज क्या थी इटालियन. लोम्बार्डी एंड विनीशिया ये भी हैब्सबर्ग के अंडर थे लेकिन इनकी लैंग्वेज क्या थी इटालियन. देन हंगरी जो पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया था इस एरिया को 2 parts में डिवाइड करो. इन 1 part पीपल दे स्पोक मैग्यार. मैग्यार बेटा लैंग्वेज का नाम है. जैसे यूरोप के लोगों के लिए असमीज या कन्नड़ ऐसे ही हमारे लिए क्या है मैग्यार ठीक है. हंगरी हाफ ऑफ द पीपल दे स्पोक मैग्यार एंड अदर स्पोक रीजनल लैंग्वेजेस. रीजनल में नंबर ऑफ एरियाज. रीजनल का मतलब होता है अलग अलग एरियाज की अलग अलग छोटी छोटी लैंग्वेजेस. देखा जाए तो हंगरी के आधे एरिया में लोग मैग्यार बोलते थे और बाकी एरियाज में रीजनल डायलैक्ट. डायलैक्ट का मतलब होता है जैसे हमारी इंडिया की नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो है हर एरिया की अपनी लैंग्वेजेस है. देन गैलिशिया भी हैब्सबर्ग के अंडर था बट इन दिस पीपल दे स्पोक पॉलिश लैंग्वेज. बेटा आई एम स्पीकिंग द नेम ऑफ सम स्टूडेंट्स दस टेल यू आर प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट. अदिति अंकिता अशीन अरमान छायांक भवनेश एब्सेंट दीक्षा दिविता इमानी गरिमा
गुर की रथ, जानवी, खुशी, प्रीतिका, मिष्टी, नैना, प्रभगुन, प्रभनूत, पुष्कर, राहुल, रूहानी, दीक्षा, तनेजा, तनुष्का, तरुणदीप, जी। नेक्स्ट है बेटा गैलिशिया पीपल, दे स्पोक पोलिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपने बेटा याद रखना है। ऑल दीज एरिया, लिसन, ऑल दीज एरियाज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। ये सारे एरियाज यूरोप का पार्ट थे। इन एरियाज में लैंग्वेज जरूर अलग थी, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी। व्हाट वाज कॉमन? ऑल द पीपल, दे हैड अ रिस्पेक्ट फॉर देयर किंग्स। तो यूरोप की अगर बात करें तो नो डाउट यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एरियाज, लेकिन उस टाइम पीरियड में ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पीरियड में लोगों के मन में मोनार्की के लिए रिस्पेक्ट थी। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड चेंज हुआ और उसके बाद धीरे धीरे कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम को चेंज करने का ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ। तो दैट वाज पॉलिटिकल फीचर ऑफ दैट टाइम। आगे आ जाओ, सोशल। सोशल फीचर्स क्या थे यूरोप में? सोशल फीचर की बात करें, सोसाइटी, वैसे आपने फ्रेंच सोसाइटी पढ़ी हुई है, लेकिन वो तो सिर्फ फ्रांस की सोसाइटी पढ़ी है। हमने इसमें बताना है मेन पूरे यूरोप की बात करें तो आपने एक टर्म सुनी है, एरिस्टोक्रेट। हु आर द पीपल एरिस्टोक्रेट? एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं? रिच लैंडलॉर्ड्स ऑफ द, वन बाय वन ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रेजेंट एंड आई हैव मार्क टिक फॉर दैट, दे विल गो टू द प्रिंसिपल। हरियर हरियर बेटा, ठीक है।